मोहाली जिले के खरड़ दी एक सोसायटी दे विच अचानक देर रात करीब 12:30 दे विच अचानक एक खिड़की ते गोली बजदी है और ये थर्ड फ्लोर का यह फ्लैट है जिथे गोली बजी है। हालांकि बहुत ही कह सकते हैं कि बाल बाल जिहड़े इत्थे लेडीज बैठे सीगे बुजुर्ग बैठे सीगे वह बचे है क्योंकि बिल्कुल इत्थे गोली बज के सीधा इस कंध ते बजी है और जिथे मैडम बैठे ने बुजुर्ग उन्हां दे बिल्कुल नाल लग के जिहड़ा खोल है वह गिरिया। हालांकि ये किने फायरिंग की कौन सी ये सारी चीजा नूं लैके हुण पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है लेकिन बहुत कह सकते हैं कि बाल बाल बचे उत्थों बिल्कुल गोली बजी है जिहड़ा राउंड है वह इत्थे आया इत्थे आके कंध ते बज के आंटी इत्थे बैठे सीगे एकदम वह घबराए कि होया कि अचानक क्योंकि मैडम ये सारी चीजा नूं लैके किन्ने क बजे की घटना हैगी है तां होया की सी किन्ने किस तरह का जिहड़ा कोई शोर शराबा परसों रात लगभग 12:05 हुए थे। मैं अपने बेटे की इंतजार कर रही थी उसने ऑफिस से आना था तो मैं इधर बैठी हुई थी नहीं तो अक्सर मैं अपने रूम में चली जाती हूँ पर बैठी हुई थी इजी फील कर रही थी मैं तो मोबाइल अपने उसमें बिजी थी तो लगभग 12:05 की बात है बड़ी जोर से धमाका हुआ मुझे लगा सिर के ऊपर से जैसे ये बल्लब है ये फट गया है तो मैंने ऐसे करके हेड डाउन करके अपने वो नीचे कर ली अपने आप को बचाने के लिए ऑब्वियसली सारे ऐसे ही करते हैं तो फिर मैंने उसके बाद जैसे ही शोर जैसा खत्म हुआ धुआं धूल मिट्टी भी जैसे ये पड़ी हुई है पिछली ये अच्छा ये अभी भी पड़ी है हाँ तो फिर मैंने उठकर देखा पिछली तरफ देखा कि ये दीवार में छेद हुआ है मुझे लगा कि पहले का ना हो जब मैंने ये मिट्टी वगैरह पड़ी हुई देखी तो मुझे कंफर्म हो गया कि किसी ने हिट किया बाहर से कोई पत्थर मारा है। फिर मैं ऐसे देखती चारों तरफ देखती गई तो ये कर्टन फटा हुआ था सामने से मैंने एक मिनट के लिए सोचा कहीं पहले का तो नहीं है ऐसे फिर मैंने कर्टन को ऊपर उठा के देखा तो शीशे में ये होल हुआ पड़ा था काफी ये टूटा हुआ था। तो आपने नीचे की साइड देखा कोई थे कोई लोग दिखे आपको जब आपने नहीं रात का टाइम था वो सिक्योरिटी बैठी हुई है उधर कोई ऐसा वो नहीं था तो उसके बाद मैंने अपनी डॉटर को उठाया फिर हस्बैंड उठे फिर मैं और डॉटर नीचे गए सिक्योरिटी वालों के पास उनसे पूछा कि इधर कहते हाँ आतिशबाजी जैसी ऐसे चली थी हो सकता बाहर शोर ना इतना वो हुआ हो जो भी है। फिर जब हम वापिस आए तो जैसे ही हमने एंटर किया तो सामने एक खोल पड़ा हुआ था उसका पहले तो हमें लगा कुछ ऐसे ही ना बच्चों का टॉय वगैरह कुछ उसके पार्ट वगैरह हो फिर कंफर्म हो गया कि ये गोली ही है। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड उनको फिर इन्होंने बिल्डर शुभम जो है हमारे एमडी हाँ नहीं वो भी आ गए थे काफी देर तक बैठे रहे उन्होंने सपोर्ट कुछ कंफर्म होया कि कितों चली है क्योंकि सामने भी थोड़ी बिल्कुल बिल्डिंग चली ऐसे ही हम कुछ भी नहीं बोल सकते ऐसे पता चल जाएगी कहाँ से किसने चलाई है ये काम तो पुलिस वगैरह कर सकती है क्योंकि हाँ हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कोई किसी तरह का वो नहीं है कोई रंजिश वगैरह किसी तरह नहीं नेवर नेवर कुछ नहीं हम रिटायरी हैं यहाँ के वो रह रहे हैं कोई ऐसी वो नहीं है। फिर पुलिस आई उसके बाद दो तीन उन्होंने अपना जो काम करना था वो कर लिया वगैरह कब्जे हाँ कब्जे में ले लिया सामने से उन्होंने देखा कि इधर से नहीं है हिट उधर से हुआ है। अब अगर मेरे कहने को वो है अगर दूर से किया क्या इतनी रेंज हो सकती है ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है हाँ हो सकती है तो आप पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी इस चीज का वो कर पाती है। चलो ये बोलो कि लेकिन बड़ा सेफ है बाल बाल बचे हाँ बिल्कुल मेरे से थोड़ा सा ऊपर है एक फुट से भी कम का है वो घर में बैठे हो नहीं तो कहते हैं कि बाहर जाकर संभल के जाना घर में बैठकर ही इंसान वो नहीं है। चलो जो ईश्वर ने हमें बचा के रखा वो बड़ी कृपा है उसकी बिल्कुल बड़ी हैरान कर देने वाली गल है कि जिदा मैम ने दसिया कि इथों किसी ने गोली चलाई किथों चलाई है बिल्डिंग दे ऊपर तो चलाई है नीचे तो चलाई है और इथे आके कंध ते वजी है ते हुण पूरी जिहड़ी है इन्वेस्टिगेशन कीती जा रही है इन्वेस्टिगेशन करन तो बाद हुण पुलिस हालांकि मामला तो दर्ज हो चुका है ते मामला दर्ज करन तो बाद हुण सर दो मिनट लवांगे तुहाडे मैडम ने जिदा दसिया कि खोल भी दे विच रिकवर हो चुकी है सारी चीजां नूं लैके हुण तक दी पुलिस नाल तुहाडी कोई गलबात हुई हो इन्वेस्टिगेशन
पुलिस कल साढ़े स्टेटमेंट लेके चले गए, तो हम मेरे ख्याल अगे अपना जो भी है कार्रवाई करेंगे। तुहानू कुछ लग रहा है क्योंकि इस क्राइम सीन जिदा देख रहे कि खोल भी बरामद होया, बिल्कुल चलो ये रहा कि राहत की गल बचाव हो गया जी, ईश्वर ने सुन ली, नहीं तो कोई कसर थोड़ी नहीं थी। जिस हिसाब से ये ऐसा लग रहा, देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई टारगेट करके किया हो, पर तो अब आगे पुलिस जो है ना वही इन्वेस्टिगेशन करके बताएंगे जी कि क्या हुआ। मामला दर्ज हो चुका है, तो पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जी फोरेंसिक पुलिस उसी दिन शाम को भी आ गई थी जिस दिन रात को जो एपिसोड हुआ, पुलिस को बुलाया, वो देवर काइंड एनफ उसी वक्त आ गए वो, और आके उन्होंने लेजर लाइट से जो अपने एंगल वगैरह वो देखे, मार्किंग की है जो आप देख लो जैसे की हुई है। तो सर थोड़ा जा कोई एनालाइज किया पुलिस दे नाल मिलके कि ये उपरों हुई है फायरिंग या नीचों हुई है या किस तरह, क्योंकि तुहाडे सामने ग्राउंड है बिल्कुल, उस तो आगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रही है सामने तुहाडी जॉइनिंग। ऐसा मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे को इस लाइन का नॉलेज नहीं है। ओके, तो किसी चीज का नॉलेज नहीं उसके बारे में बोलना जो है ना वो ठीक नहीं होता, तो पुलिस वाले वो ट्रेन पर पीपल हैं वो ही जो बताएंगे उस हिसाब से। कोई बहसबाजी थोड़े पीछे मेरी कभी किसी से होती नहीं है, तो वैसे जनरली जैसे आपसे बात होता है ऐसी करने, अगर किसी ने ना कभी की नहीं बात। तो ये बड़ी हैरान कर देने वाली गल है, हालांकि सारे जिदा दसिया कि जिन्हें भी फायरिंग की है, हालांकि हुण टारगेट सीगा या अचानक हुई है कोई मौज मस्ती कर रहे थे, क्योंकि पहला भी इस तरह के चंडीगढ़ च भी मामले सामने आए ने कि कोई सैलीब्रेशन कर रहा है तो इस करके उन्हें फायरिंग की, हवाई फायर करती था वो, लेकिन हुण इस पूरे मामले च की है ये सारी चीजा नूं लैके हुण पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है पॉइंट टू पॉइंट कि आखिर जिहड़ी भी जिन्हें भी फायरिंग की है कित्थों की है, क्योंकि थर्ड फ्लोर है हालांकि सामने ये बिल्डिंग्स ने उत्थे सारा कन्फर्म हो चुका है, उत्थे किसी तरह की कोई फायरिंग नहीं हुई है। इस सामने जिहड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है एक बिल्डिंग की और सामने बिल्कुल पार्क है, ये बहुत सारी चीजें जिस नूं लैके हुण फोरेंसिक दे नाल नाल जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही, लेकिन हालांकि अननोन दे खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है लेकिन हजे तक कोई गिरफ्तारी इस मामले च नहीं है कि आखिर फायर किता कहने जिहड़े बुलेट ने वो पुलिस ने रिकवर कर लिया, तो हुण पॉइंट टू पॉइंट इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, नेड़े तेड़े जिन्ने भी सीसीटीवी है वो भी हुण सारे चैक किए जा रहे हैं। खरड़ तो कैमरामैन सुखजिंदर सिंह नाल मनोज राठी की जो टीम पंजाब।